सब इन्हें गलत नीति गलत सोच से हिंदू सिख भाईचारा खत्म करने आए थे पर असि नहीं होने देंगे क्योंकि हिंदू परिवार साडे नाल खड़े हैं मुस्लिम परिवार साडे नाल खड़े हैं कुछ तानाशाही लोग जेडे ये काम कर रहे हैं कि सिखां दी जेडी चुन्नी उतारी जाए अज मैनू दीप सिद्धू की गल चेते आ रही है जिहड़ा पंजाब विच कुछ सरकार की नीति नाल मारिया गया सी उन्हें कहा जी अज हिजाब से आए हैं कल सिरां दी चुन्नियां ते दस्तारां ते आणगे बिल्कुल उही गल अज इत्थे होई कुछ समा पहले रजौरी विच सब इंस्पैक्टर के एग्जाम सन उत्ते भी बच्चों नूं ककार नहीं पाण दित्ते गए क्यों असीं पुछणा चाहुंदे हां उन्हां इन्हां नूं शर्म नाल डुब के मर जाना चाहिए इन्हां दी औकात की है कल गुरु तेग बहादुर पातशाह का 400 साल प्रकाश पुरब मनाया गया उन्होंने कुरबानी को याद करन कि वह किस लिए कुरबान हुए सन तुहाडे चिन्ह की खातर अपना सरबंस वारिया गुरु साहब ने हुण साडे ककारां ते पई है जे तुहाडा चिन्ह आजाद करा सकते हैं तो असं अपने ककार भी गुलाम नहीं रख सकते सानू आजादी करानी आजाद समझदे असं अपने आप नूं असं भाईचारा कायम रखना चाहते टीचर हैं जो स्कूल के जो प्रिंसिपल है उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और ऐसा दोबारा कहीं भी ऐसी घटना ना क्या कहना चाहेंगे इस शीतल जी एक वाक्या हुआ है आईटीआई स्कूल के अंदर क्या बोलना चाहेंगे ये बड़ा दुख वाला वाक्या है इसी चीज को नहीं बर्दाश्त किया जा सकता सिख कौम ने बड़ी कुर्बानियां दी बड़ी शहीदियां दी हैं इस धरती पे और ये जो इन्होंने बच्ची के साथ किया है स्कूल वालों ने जो ये जो दुपट्टे का और कृपाण का किया है ये बर्दाश्त के नहीं है और जब हमें सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने दिल्ली ने अपने फंडामेंटल राइट हैं जो वो सिख कौम कर सकती है तो ये कौन होते हैं रोकने वाले और ये बड़ा गलत हुआ इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर आगे ऐसा चला तो इसके जो आगे जो होगा बड़ा गलत होगा ऐसा नहीं होना चाहिए जी।
जब यहाँ पहले शुरुआत हुई, जब ये स्कूल खुला तो इनके पास ड्रेसेस नहीं थी। इन्होंने कहा आप इनफॉर्मल ड्रेसेस जो आपकी घर में है वही पहन के आ जाइए, तीन चार दिन तक ड्रेसेस आ जाएंगे, फिर आप वो पहनिए। जब वो बच्ची आई, सिख बच्ची थी, अमृत आ रही है, और सिख जब अमृत पान किया जाता है उसको ये इंजेक्शन दी जाती है, आप सिर नंगा कहीं बाहर नहीं घूमोगे, सिर नंगा नहीं रहोगे, ये पांच के कार के धारणी रहोगे, जीते जी इनसे आप दूर नहीं उठेंगे। तो जो बच्ची यहाँ पर आई, दुपट्टा लेके आई, सूट पहन के आई, कमीज सलवार, तो कड़ा पहना था, कृपाण पहनी थी, यहाँ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन उसको बुलाया, एडमिनिस्ट्रेशन उसको ये कहा कि ये तो दुपट्टा पहन के नहीं आ सकती, तू अपने कड़े का साइज छोटा करेगी, कृपाण वो पहन के आएगी जो कृपाण खुल नहीं सकती। मैं पूछना चाहता हूँ कृपाण ऐसी कौन सा कोई न्यूक्लियर वेपन है जो उस बच्ची ने खोल के अंदर क्लास में वो वेपन चला लेना था, बाकी उसकी जो क्लास फेलो उसको नुकसान होता, छोटी कृपाण से क्या नुकसान होता। तो उसको ये मना किया गया, बच्ची को हरास किया गया, ह्यूमिलेट किया गया, नेक्स्ट डे उसको पेरेंट्स को बुलाया गया। तो कोऑर्डिनेटर ने ये बात क्या दी थी, पेरेंट्स ने कहा हम उसके स्कूल प्रिंसिपल से मिलना चाहते हैं, कहते नहीं प्रिंसिपल इस इशू पे बात नहीं करेगी, वो आपसे बात नहीं करेगा प्रिंसिपल, इस इशू पे पहले ही सेटिंग अंदर हो चुकी है, डिसाइड हो चुका था, डिसाइड कर दिया कि आप ऐसी चीज होनी नहीं। तो उसके फादर आए, जब उनसे बात हुई उन्होंने कहा जी चलो हम ये बात करते हैं, कड़ा आप अगर कहते हो छोटा कर लो मैं वो भी कर लेता हूँ, कृपाण छोटी कर लो वो मैं भी कर लेता हूँ, लेकिन अगर आप कहते हो दुपट्टा छोड़ दो, हम सिर्फ नंगे बच्ची को स्कूल में नहीं आ सकती, मेरी बच्ची ये हमारे लिए मैंडेटरी है सिख फेथ के लिए, इसके बिना ये नहीं आ सकती। उन्होंने कहा फिर आप ऐसा कीजिए आप टीसी ले जाइए। तो जब मेरी उसके साथ बात हुई उसने कहा जी अभी आप मत बोलिए, ये मेरी बच्ची को ह्यूमिलेट करते हैं, हमें भी जाके वहाँ ह्यूमिलेशन फील हुई, इतना कई हजार स्कूलों के बच्चों की स्ट्रेंथ है उसमें मेरी बच्ची को साइड पे कर दिया गया, बच्चों को ह्यूमिलेट फील करने के लिए सरकार इंटेंशनली चाहती है बच्चे सिक्की से दूर हो, गुरु के साथ ना जुड़े, असूलों वाले ना बने, तो बच्चों को ह्यूमिलेट करने का मकसद। अभी प्रिंसिपल से यहाँ के प्रिंसिपल से आपकी कोई बात हो रही है या कोई एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पे बाहर आके बात करने को तैयार है? हमसे पहले जो लोग जो हमारे कुछ वीर यहाँ आए थे वो कहते हैं हमारी प्रिंसिपल से बात की, वो डिनाई करता है, वो कहते हैं ऐसी बात तो हुई नहीं, हमने सिर्फ ये कहा इनका साइज चेक करें कृपाण का साइज, ये बात नहीं हुई। बात यह हुई कि कारों पे अटैक किया गया, पगड़ी पे सवाल उठाया गया, दुपट्टे पे सवाल उठाया गया, सिख मजहब के जितने भी हमारे एसेंशियल चीजें हैं उन पे सवाल उठाया गया। आज इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सिखों के नौजवान यहाँ पर हैं, अभी बाकियों को रोक के रखा। मैं अभी कोई कंप्लेन आपकी तरफ से दी गई है? कंप्लेंट तो उसको पता है, बात हुई है, कंप्लेंट देंगे, कंप्लेंट देंगे। इसका इस चीज का हल क्या निकाला है? हल इसका है गवर्नमेंट इसके ऊपर नोटिफिकेशन निकाले, स्कूल के ऊपर एक्शन ले, रिटर्न में अपॉलोजी करे, पर हमसे गलती हुई है, क्योंकि अगर आज हम इस चीज से चुप हो जाएंगे कल को दूसरा स्कूल भी ऐसा करेगा, तीसरा स्कूल भी ऐसा करेगा। इसने आज से दो साल पहले भी सिख बच्चे के साथ ऐसा किया, इनको ये आदत पड़ गई है, क्योंकि कभी इसको जवाब नहीं मिला, इसलिए ये इन एरों के सदरी बढ़ गई है। आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये कम्युनिटी जो दूसरों के लिए, क्योंकि पहले गुरु साहब ने जनेऊ नहीं पहना था, ये नहीं कि उनको उन्होंने नहीं मैं नहीं पहनूंगा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा मैं अपनी मर्जी से नहीं पहनूंगा, लेकिन जबरदस्ती किसी का उतारेगा मैं वह भी नहीं उतरने दूंगा। तो नौमे जामे में जब गुरु तेग बहादुर साहब ने मटन से पंड तोड़ के गए थे, उस जनेऊ की राखी के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। अब आगे का आपका क्या रहेगा, किस तरह से बाकी बच्चों को सुरक्षित करेंगे कि वो अपने ककार जो है वो पहन के स्कूलों में जा सके? मैं आपके द्वारा सिख बच्चों को यह पूरी संगत जितनी यहाँ खड़ी है इन सब की तरफ से आश्वासन देता हूँ, किसी के ककार के ऊपर कोई किसी स्कूल से कोई ऐसा चैलेंज आएगा उसके लिए जितने हम यहाँ खड़े हैं अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाएंगे, आपको ह्यूमिलेट नहीं होने देंगे, जितना हो गया हो गया, आगे से ऐसी चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज जो गलती जिसने कर ली इसको भुगतनी पड़ेगी, ऐसी चीजें दोबारा बर्दाश्त नहीं करेंगे। बच्चों को भी आश्वासन दे दूं, आश्वस्त हो जाइए, अगर छोटे साहबजादों ने ककारों की वजह से इस बदौलत अपने पानों की आहुति दी, जिंदा नियो में चिन्ह दिए गए, सिक्की नहीं छोड़ी, इसलिए इन चीजों से घबरा के ककारों से दूर हटने की बात कभी नहीं जिंदगी में सोचना। हम सब पूरी कौम उनके साथ खड़ी है, जब जरूरत पड़ेगी हम उनके साथ खड़े हैं, उनको ह्यूमिलेट नहीं होने देंगे। लगातार देख सकते हैं हेरिटेज स्कूल में यहाँ पे हर कोई पहुंचा हुआ, शीतल जी की बात इस चीज को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और स्कूल एक मंदिर है, वहाँ पे सभी धर्मों की इज्जत होनी चाहिए। हमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने ये फंडामेंटल राइट दी हुए हैं कि हम अपने रहन सहन में रह सकते हैं, ये कौन होते हैं रोकने वाले, मतलब बच्चों को क्या बढ़ा रहे हो आप, एक कल्चर से आप बाहर निकालना चाहते हो, ये चीज हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। अगर आगे कहीं और भी हुआ तो हम
जान लेने पे और जान देने से नहीं डरेंगे और अपनी कौम के लिए और अपनी पार्टी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, अपनी जान भी दे सकते हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ स्कूल वालों को, मेरे स्कूल एक मंदिर है, वहाँ पे सभी धर्मों की इज्जत होनी चाहिए, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। स्कूल को मंदिर की तरह ही बनाया जाए, उसमें ये कंट्रोवर्सी नहीं पैदा होनी चाहिए कि सिख कौम के लिए, दूसरी कौम के लिए किसी को रोका टोका ना जाए, जो अपनी मर्जी से। हमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने जब दिया हुआ है कि आप इस चीज को, अपने धर्म को कर सकते हो, तो अब ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? बड़ी अफसोस की बात है, ये मुझे कहना पड़ा, ये सिख कौम में नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसी दोबारा किसी स्कूल में हरकत ना हो और सिख कौम इस चीज को नहीं बर्दाश्त करेगी। हम स्कूल क्या, हम प्रिंसिपल को भी पूछेंगे, सबको पूछेंगे। और मैं यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि किसी की धर्म को इतनी ठेस मत पहुंचाओ कि सबके सेंटिमेंटल जुड़े होते हैं। सर अलजी साहब से क्या मांग करना चाहिए? मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि स्कूलों के अंदर जो हमें स्कूल मंदिर माना जाता है, उसके अंदर सभी धर्मों की इज्जत होनी चाहिए और गवर्नर साहब को इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए कि धर्म की बात ऐसा ना निकले बाहर जिससे कुछ गलत हो। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से हाईटी स्कूल के अंदर ये वाकया पेश आया है? आप भी यहाँ पे पहुँचे हुए हो, हर किसी के दिल में रोष है कि इतना बड़ा स्कूल और इस तरह की हरकत सामने आई है। अभी तक प्रिंसिपल से कोई बात हो पाई है या फिर किस तरह की बात निकल के सामने? देखो सबसे पहले तो मैं तुम्हें दस देना चाहता कि प्रिंसिपल की तरफों बात गल होना तो बड़ी दूर की गल है। प्रिंसिपल और स्टाफ की तरफ अभी तक कोई बाहर नहीं आया, सिर्फ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे जो सर वो बाहर आए जिन्होंने गल करने की कोशिश की, बट वो गल इस तरह नहीं होंगी क्योंकि स्कूल एक जिन्हों शिक्षा का मंदिर समझा जाता है। अगर वो ये चीज़ा लैके चलेंगे बड़ी ज्यादा बहुत ज्यादा गलत गल है, क्योंकि जिन्हें ककारा जो इस स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रश्न चुके हैं, मैं इस एडमिनिस्ट्रेशन को दस देना चाहता कि वो ककार जिन्होंने इस देश की कुर्बानियां दी ने, अपने साडे गुरुओं ने अपने बच्चे बार इस देश को बचाया और अज उस ककारा की गल करना चाहती हूँ। मैं आपके चैनल के राही ये चीज़ दस देना चाहता हाँ, क्या प्रिंसीपल अपनी एक बाजू या लत के बिना जी सकता? नहीं जी सकता। असी लोग उसी तरह अपने इन पांच कतारा बिना नहीं जी सकते। अज तक कितने सी एडमिनिस्ट्रेशन जिसले सिख कौम ने इन कुर्बानियां दी, इसी कुर्बान के नाल ही अपने ले सकते, अपने हक ले सकते, इन्होंने वास्ते लड़े सकते, उसने ये एडमिनिस्ट्रेशन किए थे। क्यों अब वेस्टर्न कल्चर को अपनाया जा रहा है, क्यों बच्चों को हरासमेंट किया जा रहा है, इसका क्या रीज़न है? रीज़न जो है वो सब जानते हैं। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जितने भी तुहाडे दर्शक हैं मैं ये चीज़ दस देना चाहूँगा, एक खाली सिख धर्म की गल नहीं है, अज सिख की आइडेंटिटी छुपाया जा रहा, कल हिंदू मुस्लिम बौद्ध हर एक धर्म के उपर ये उंगली चुकनगे, वैस्टर्न कल्चर अपनावे। जिस तरह फॉरन के उन्होंने पहनावे देख रहे हो, क्या तुम वो पहनावे जम्मू कश्मीर भारत के ये चीज़ तुम देखना चाहोगे? कदे भी कोई माँ प्यो नहीं देखना चाहेगा। मैं ये समझ नहीं आ रही, उन्होंने एक चुन्नी न एक चुन्नी एक तरफ नरेंद्र मोदी जी का नारा है राहुल गांधी, और दूसरी तरफ बेटी चुन्नी दे करके स्कूल तो बाहर कले जाना कि शर्म दी। सो ये चीज़ा रोकनिया चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन अगर साड़ी साफ मंग है कि जल्द तो जल्द हर एक स्कूल में हदायत दी जानी चाहिए है कि ऐसिया हरकत जड़िया हो रही ने पर्टिकुलर एक कम्युनिटी लैके इन रोक दिया जाना चाहिए। अगर ये भी जानना चाहेंगे कि उनकी तरफ से जिनके ऊपर ये सब हुआ उस उनके पेरेंट या उस बच्ची की तरफ से कोई प्रेस वार्ता की गई है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, आज सवेरे चांदपुर गुरुद्वारा साहब गुरु नानक देव जी उसे प्रेस वार्ता हुई है, उन्होंने ब्रीफली दसाया कि इस बारे क्या होया, किस तरह होया, किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन ने दो दिन उन्होंने हरासमेंट किया, पहले बच्ची आती है फिर बच्ची को बाहर कढ़िया जाता है, कितने नाइन्थ पढ़ती बच्ची कितने स्कूल के बाहर एक यूनिफॉर्म नहीं लाई, यूनिफॉर्म भी उन्होंने जो जो इन्होंने मंगा रखी तिरपान छोटी करो, तिरपान छोटी करी, कड़ा पतला करो, कड़ा पतला कर, जिले गल चुन्नी भी आ गई क्या इन्हों जैडम बिना चुन्नी तो इतनी आदि ने, चुन्नी एक औरत का गहना है, उन्हों की अपनी एक चुन्नी जी है, चुन्नी अपने आप का पर्दा अपने आप में ढकदिया ने, अज इस चुन्नी ही उखाड़ के बाहर फेंकना चाहिए, शर्म आनी चाहिए ऐसे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से। मैं आपके चैनल आई खाली सिख कम्यूनिटी नहीं सारिया कम्यूनिटिया अपील करना चाहूँगा, ऐसे स्कूलों का बाइकाट किया जाए जिते योजना हरकत जो देखने को मिले। उसके बाद आप देखते हैं कि कितनी सी संगत जो है वहाँ पे पहुंची हुई है, मांग ये कि स्कूल और प्रिंसिपल इस पे हमारे देश का विकास
इस मामले को संजीदगी से देखें कि कोई मामला छोटा नहीं रहा। अब ये मामला अच्छी तरह नहीं है।